ऑप्शन थी दादी जी का क्लास, योगी जीवन का आधार, कर्मों में दिव्यता। इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कल के प्रथम सत्र के बाद आज का द्वितीय सत्र अर्थात सेकेंड पार्ट। तीसरी पॉइंट है आज, चलते चलते कई बार हम अपने संस्कार यूज कर लेते हैं या दूसरों के संस्कारों को देख लेते हैं। पहले मन बिल्कुल शांत था, लेकिन दूसरे का संस्कार देख लिया, हमारी बुद्धि उसमें चली गई, तो मन भटकने लगता है, फिर योग नहीं लगता। इसके लिए जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, अगर दो बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में नहीं बोलना है। अगर बच्चा बीच में बोल देता है तो उसे थप्पड़ मार देते हैं, बीच में क्यों बोलता है, दो के बीच में तुम क्यों आए। वो जानते हैं कि इसकी बीच में बात करने की आदत पड़ जाएगी तो ये अच्छा नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को ट्रेन करते हैं ना कि बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। ऐसे वैसे हिसाब किताब दूसरे का होता है और बीच में हम संकल्प चलाते रहते हैं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसने रॉन्ग किया, मैं इसको पहले से जानती हूँ, उसका हिसाब किताब बना ना, उसने गलत किया तो हिसाब किताब भी उसका बना, तो हम क्यों संकल्प चला के हमारा हिसाब किताब बीच में ऐड कर दे। हमें न्यारा और प्यारा रहना है, किसी के लिए कोई संकल्प न चलाए। ये सब फालतू संकल्प है, आदत है फालतू संकल्प करने की। फालतू माना अपने या दूसरों के लिए फालतू ख्याल, वेस्ट थॉट्स आना माना खुद के लिए भी फालतू और दूसरों के लिए भी फालतू। दूसरे ने गलत किया तो हमारा क्या गया, उसने गलत किया तो उसका हिसाब किताब, चलो हमारे साथ भी हमें लगता है गलत कर रहा है तो उसी का हिसाब किताब बना ना। यदि हम निरसंकल्प रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो उल्टा अच्छा है, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमारा हिसाब किताब चुप तो कर दिया। यदि संकल्प चलाया तो और ज्यादा हिसाब किताब एंटेंगल कर देंगे हम, तो भी हिसाब किताब बढ़ाना तो नहीं है ना, जो है उसी को खत्म करना है। जैसे फ्री बैठे हैं, योग लगाना नहीं है, योगी बनना ही नहीं है, देवता बनना ही नहीं है, जो फालतू संकल्प कर रहे हैं, फ्री बैठे और फालतू संकल्प कर रहे हैं, माना योग नहीं लगाना है अर्थात योगी नहीं बनना है अर्थात देवता नहीं बनना है, तो नुकसान किसका हुआ, हमारा ही हुआ ना। जिसको बड़ा काम करना होता है वो फालतू काम नहीं करता, फिर वो वेस्ट थॉट्स में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। जिसको फालतू बोलने सोचने फालतू धंधा करने की आदत है, वो फालतू सोचते हैं, संकल्प चलाते हैं, फिर उनके संस्कारों के प्रभाव में आ जाते हैं। जो समझदार होते हैं वो सदा सोचते हैं कि मेरा कार्य सफल कैसे हो, जो ड्यूटी मिली है वह अच्छी तरह से करूं, हमें देखकर दूसरे भी योगी बन जाए, खुश हो जाए, जो संबंध में आए उसके मन में रिगार्ड हो जाए, हमारे मन में भी उसके लिए रिगार्ड हो, जो भी हमारे संबंध में आए उसको हमारे लिए रिगार्ड हो और हमें उसके लिए रिगार्ड हो। कभी शांति से बैठकर अपने से पूछना चाहिए, मैं फालतू बातें कितनी करती हूँ। जिसको काम लायक बातें करने की आदत होती है उसका फालतू छूट ही जाता है, क्योंकि टाइम पर विशेष अटेंशन होता है तो वेस्ट नहीं करेंगे। अगर समय सफल करते जाए तो कमाई ही कमाई है, जो समय की कद्र करता है भगवान भी उसकी कद्र करता है। डबल अंडरलाइन, भगवान किसकी कदर करता है, जो समय की कदर करता है। संगम युग का तो एक एक सेकेंड बहुत वैल्यूएबल है ना। संगम युग पर बाबा को प्यारे वह लगते हैं
जिसने समय सफल किया है, धन सफल किया है, मन को ढीला नहीं छोड़ा है। डबल अंडरलाइन करें, बाबा को संगम युग पर कौन प्यारे लगते हैं? जिसने समय सफल किया है और अपना जो धन है वो भी सफल किया है, क्योंकि सतयुग में उच्च पद पाना है महाराजा महारानी के वंश में, अर्थात कि उनके क्लोज में आना है, फिर अपना धन भी तो सफल करना पड़ेगा। धन प्योरीफाई करेंगे अर्थात सेवा में लगाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा ना। बाबा को भी वही प्रिय लगते हैं जो समय सफल करते, धन सफल करते, मन को ढीला नहीं छोड़ा है, मन को कभी दुनिया की तरफ नहीं ले गए है। चौथी पॉइंट है आज, निश्चय किस में रखा है? बाबा में, खुद में। बाबा का बनकर तभी रह सकते हैं जब पहले खुद को अच्छी तरह से जानते हो। मैं देवता घराने वाली आत्मा हूं, बाबा के सिवाय मेरा कोई नहीं है। कितने बंधन आए पता नहीं, कैसे चले गए। सतयुग में कर्म में थे तो संबंध में भी थे, कर्म में विकार आ गया तो बंधन बन गया। अपने को बंधन से मुक्त करना है तो आत्मा सूक्ष्म संकल्प की शक्ति से बंधन से मुक्त होगी। बस एक ही संकल्प करो, बाबा के बने हैं तो बाबा जैसा बनना है। उस स्कूल में कॉपी करेंगे तो सजा मिलेगी, और यहाँ पर उल्टा है, यहाँ अगर बाबा को नकल करेंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। डबल अंडरलाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बाबा क्षमा दया स्नेह की मूर्ति है। कैसा भी कोई है, पापी है, कपटी है, कामी है, बाबा के पास आया तो क्षमा कर दिया, दया की दृष्टि से देख लिया, बच्चा कहकर स्नेह दिया। बाबा कितना क्षमा का सागर है, कितना दया और स्नेह की मूर्ति है। तो जो बाबा से मिलते हैं उनको कितनी खुशी होती है। अजामिल जैसे पापियों का भी बाबा उद्धार करता है। बाबा को लिख कर दे दो, जब लिख कर देते हैं मैं उनको नहीं पढ़ती। जब लिख कर देते हैं दादी भी कहते मैं उनको नहीं पढ़ती, वैसे भी जो बाबा को लेटर जाता है हम थोड़ी पढ़ते हैं। बाबा को लिख कर दो, बाबा भी नहीं पढ़ते हैं, मीठी दृष्टि देकर चला देते थे। ब्रह्मा बाबा भी लेटर पढ़ते नहीं थे, बच्चों को मीठी दृष्टि देते थे और जला देते थे, क्योंकि वो बात तो शिव बाबा तक पहुंच गई ना जो आपने लिखी। बाबा हम पर कितनी मेहनत करता है, अब भी अव्यक्त होकर भी कर रहा है। हमको तो मुख से पैदा किया है, लेकिन इतनी सारी रचना को कैसे पैदा किया? अपने संकल्प से पैदा किया। आज इतने ब्राह्मण सब बाबा के संकल्प की रचना है। अव्यक्त बाबा की दृष्टि ही जीवन को बदल देती है। बाबा साकारी, आकारी, निराकारी तीनों की भासना दे देता है। मिल रही है ना बाबा से यही भासना? कहें हाँ जी। जब बाबा का संकल्प ऐसा है तो हम बच्चों का संकल्प कैसा होना चाहिए? कंपेयर करें। कल्याणकारी बाप के संकल्प में है कि पाप की दुनिया में, दुख की दुनिया में सबका भला हो, सब घर चले, सब शांति धाम चलने के लिए पहले से ही बाप की नजरों से निहाल हो जाए। ऐसा पावरफुल योगयुक्त तो होकर संदेश भी देते जाए और फालतू चिंताओं ममताओं से अपने आप को मुक्त भी कर दे। संकल्प होता है, कोई चिंता होती है, कोई ममता होती है। बाबा तो सब बातों से हमें चिंता से, व्यर्थ संकल्पों से बाबा को लेटर लिख के दिया तो बाबा मुक्त कर देते हैं। है ना सभी अनुभवी इस बात में?
बाबा को पत्र लिखते हैं तो उस संकल्प से भी फ्री हो जाते हैं और बाबा की हेल्प भी अनुभव होती है ना, जो अनुभवी है हाथ ऊपर करे। अच्छा ऑप्शन दी, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये 2 मिनट के लिए विशेष पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएंगे शक्तिशाली योग की स्थिति द्वारा, ताकि घर के लिए विशेष योगदान देंगे। कल सुबह लाइव मिलेंगे, अमृत मिला 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास में ऐसे ही 9:45 बजे।